हेलो जी, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका एक बार एक नई ब्लॉग में। और आज की जो ब्लॉग बनने जा रही है दोस्तों, काफी डिफरेंट बनने जा रही है। तो आप लोग पूछोगे कि भाई मैं कहाँ बैठा हूँ आज। तो आज जो मैं दोस्तों एक गाड़ी के अंदर में बैठा हूँ और आप लोगों के लिए मतलब एक अच्छी सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, कार के ऊपर बनने जा रही है। सेकेंड हैंड मार्केट एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और आज मैं आ रखा हूँ दोस्तों गुड़गांव के एक बहुत बड़े डीलर के पास। इनके पास यार कह सकते हो हर वक्त 30 से 40 गाड़ियाँ अवेलेबल होती है। तो मैं आज आप लोगों को एक 10 गाड़ी की रेंज दिखाने वाला हूँ। कम से कम 10 गाड़ी तो इसमें कवर करने ही वाला हूँ और अच्छी रेंज में कवर करने वाला हूँ। तो बात करते हैं इस यहाँ जो गाड़ियाँ मिलती हैं, फाइनेंस वगैरह होता है या नहीं होता है। फाइनेंस वगैरह सारा कुछ हो जाता है। आप सपोज गाड़ियाँ लेना चाहते हो, ऑल ओवर इंडिया के कोई भी फाइनेंस करा सकते हैं गाड़ियाँ यहाँ से। अब बात करते हैं यहाँ गाड़ियाँ किस रेंज से स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी सस्ती रेंज से स्टार्ट हो जाती है। तकरीबन मतलब मान के चलो यार 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है गाड़ी अच्छी कंडीशन में। और आपको तकरीबन 20-30 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट पे गाड़ियाँ मिल जाती है आराम से। ऑल ओवर इंडिया के किसी को भी मिल जाएगा। तो चलो मैं आपको यहाँ के ऑनर से मिलाता हूँ और बात करते हैं क्या टर्म एंड कंडीशन है, कैसे मिल पाएगा आपको लोन। तो दोस्तों ये है आपके शॉप के ऑनर, क्या हाल चाल भैया। तो भैया आपने शॉप का नाम बताया और अपना नाम बताया और हमें भी उसको एक बार हाय जरूर करें। हेलो, तो मेरा नाम विकास चक्राल है और हमारी शॉप है यहाँ पर ओल्ड दिल्ली रोड पे, शॉप नंबर 7 अपोजिट टू एयरफोर्स स्टेशन। ओके, किस नाम से सर आपका शॉप? न्यू कथुरिया मोटर। न्यू कथुरिया मोटर्स के नाम से इनका शॉप है। फोन नंबर और एड्रेस जो होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करके आप इनके पास आ सकते हैं। अच्छा सर, बात करते हैं किस किस गाड़ियों में आप डील करते हैं। हम लोग मतलब छोटी गाड़ी सेंट्रो वैगनर से लेके ऊपर फॉर्चुनर, इनोवा, बीएम, ऑडी सब गाड़ियों में डील। ओके, मतलब कह सकते हैं मल्टी ब्रांड में आप काम कर सकते हैं। सभी गाड़ियों में डील करते हैं। ओके, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट लोगों। ओके, और एक चीज जानना चाहूंगा सर, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब लोन वगैरह पे गाड़ी लेना चाहते हैं तो मिल जाती है आपके पास? फाइनेंस हमारे पास अवेलेबल है, काफी बैंक है हमारे साथ टाई अप है, एक्सिस, कोटक, हम लोगों का टाई अप है। तो मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो डील करते हैं मतलब लोन वगैरह दिलाते हैं, वो गुड़गांव दिल्ली एनसीआर वाले के दिलाते हैं। आप क्या ऑल ओवर इंडिया करते हैं या गुड़गांव दिल्ली के लिए? लोन हर जगह करा के देते हैं, डिपेंड अपॉन द सिविल ऑफ द कस्टमर। सिविल अगर अच्छा है तो बंदा कहीं का भी ऑल ओवर इंडिया हम लोग। ओके, मतलब आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो लोन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और किस रेंज से स्टार्ट हो जाती है आपके यहाँ कार? गाड़ी स्टार्टिंग हो जाती है 1 लाख रुपए से गाड़ी स्टार्ट है, उसके बाद आप मैक्स टू मैक्स कहीं तक जाओ। एक मोटा मोटा आइडिया देना चाहो, मतलब आप देंगे हमारे व्यूअर्स को कितना रुपए देके गाड़ी मतलब डाउन पेमेंट क्या है? हमें कोई ऐसी डाउन पेमेंट नहीं चाहिए, 15-20 हज़ार डाउन पेमेंट अभी हम गाड़ी दे देते हैं। अगर फाइनेंस उसे करवाना है तो पूरी गाड़ी फाइनेंस करवा। तो जैसे कि मैंने इंट्रो में आपको बताया था 20-30 हज़ार रुपए आप डाउन पेमेंट देके गाड़ियां ले सकते हो इनके पास से। डाउन पेमेंट मतलब कम से कम डाउन पेमेंट में गाड़ी मिल जाती है और सारी गाड़ी सर्टिफाई होती है भैया? सारी गाड़ी। और एक चीज और जानना चाहूंगा, जो गाड़ियां होगी उसमें मतलब सेकंड पार्टी फर्स्ट पार्टी क्या होगा, मतलब फर्स्ट पार्टी वगैरह कैसे होगा? गाड़ी सिंगल ओनर होंगे मैक्सिमम? मैक्सिमम गाड़ियां फर्स्ट ओनर ही लेते हैं हम लोग। ओके, कुछ गाड़ियां होती हैं जैसे बड़ी गाड़ी है तो सेकंड ओनर भी हो जाती है। अच्छा, और हमारे मतलब दिल्ली से बाहर के लोग जो देख रहे हैं उनके लिए ट्रांसफर वगैरह हो जाता है? वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, पेपर वर्क हम पूरा कंप्लीट करा के हम लोग को देते हैं। ओके, चार्जेस वगैरह जो होते हैं वो चार्जेस है, मिनिमल चार्जेस है, कोई ज्यादा मोटा चार्ज है नहीं। अगर एनओसी फाइनेंस वाला है तो बैंक ही करा के देता है, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारा ट्रांसफर का, अदरवाइज हम लोग अपने एंड से करा। ठीक है। ओके, तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली रेंज की। तो आपके सामने ये गाड़ी ब्लैक कलर की यार मारुति वैगनार लगी हुई है, मारुति सुजुकी वैगनार। और इस गाड़ी की जो मॉडल होगी 2009 मॉडल होगी और गाड़ी तकरीबन 84,000 किलोमीटर चली है। गाड़ी की बात करते हैं टायर्स वगैरह, तो टायर्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है टायर्स की। ठीक है, सिंगल ओनर होगी। अब बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर से। ठीक है, इंटीरियर वगैरह दिखाता हूँ मैं आपको, साइड व्यू तो आपने देख लिया, अब इस गाड़ी की इंटीरियर देखते हैं। तो अंदर से ये गाड़ी की इंटीरियर एक बार आप देखो कैसी है। ठीक है, गाड़ी की इंटीरियर ये देखो, सीट्स वगैरह भी देख लो एक बार, सीट्स की क्या कंडीशन है। ओके, और ये अब देखो बीच पीछे से मैं आपको सीट वगैरह दिखाऊं कैसी है। ठीक है, ये देखो सीट्स वगैरह काफ़ी अच्छी है। बात करते हैं इसकी, गेट वगैरह सारी कुछ कोई दिक्कत नहीं है और गाड़ी में। अब बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइस की। तो इस गाड़ी की जो प्राइस होगी, आस्किंग प्राइस जो है नेगोशिएबल 1,40,000, 1,40,000 रुपये पेट्रोल होगी। ठीक है, और कंडीशन गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली से रजिस्ट्रेशन हो रखी है गाड़ी। ये देखो इसका इंटीरियर एक बार देख लो फिर से। ओके, तो जो नेक्स्ट गाड़ी आपके सामने है ये है आपकी वैगनार। कौन सी मॉडल है भाई? 2010 मॉडल है, वाइट कलर में है। और जो गाड़ी होगी HR नंबर होगा, हरियाणा से रजिस्ट्रेशन हो रखी है। ठीक है, और गाड़ी की क्या कंडीशन में एक बार आपको अंदर से दिखाता हूँ। पेट्रोल होगी भाई? पेट्रोल CNG। ओके, पेट्रोल CNG होगी। और एक बार मैं आपको गाड़ी के
तो दोस्तों मैं आपको इसकी अंदर से इंटीरियर दिखाऊं कैसी है। तो इस गाड़ी की इंटीरियर ये है, देखो एक बार कंडीशन क्या है गाड़ी की। अब बात करते हैं, ये देखो, अब ये गाड़ी जो है काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। और बात करते हैं इसकी पीछे सीट वगैरह भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी। और कंडीशन तो आपने देख ही लिया, बाकी इस गाड़ी की टायर्स वगैरह देख लेते हैं, टायर्स वगैरह की क्या कंडीशन है। ये देखो टायर्स वगैरह कंडीशन अच्छी है टायर्स की, 70,000 किलोमीटर चली है ये गाड़ी। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो ये गाड़ी आपको मिल जाएगी 1,50,000 रुपये नेगोशियबल, पेट्रोल और सीएनजी दोनों होगा इस गाड़ी की, पेट्रोल और सीएनजी दोनों में मिल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब गाड़ी की माइलेज की बात करते हैं, तो इस गाड़ी की माइलेज आपको मिल जाएगी पेट्रोल पे 15 और सीएनजी पे 21 किलोमीटर, ठीक है। गाड़ी की कंडीशन ये भी काफ़ी अच्छी होगी। अब बात करते हैं अगली रेंज की, देखो ये गाड़ी जो आपके सामने है सिल्वर कलर में सेंट्रो की लगी हुई है गाड़ी, ठीक है, हुंडई सेंट्रो। और अब बात करते हैं इस गाड़ी की कंडीशन कैसी है और कौन सा मॉडल है। मॉडल कौन सा होगा भाई, ये 2009 मॉडल होगा गाड़ी। और गाड़ी चली कितनी होगी लमसम, 80,000 किलोमीटर चल गई होगी। अब गाड़ी की कंडीशन मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि कैसी कंडीशन, इंटीरियर का दिखाते हैं, ठीक है, एक बार इंटीरियर देखते हैं कैसी है इस गाड़ी की। ओके, ये देखो इंटीरियर, इस गाड़ी की इंटीरियर। और इस गाड़ी की सीट्स वगैरह की बात करते हैं, तो सीट्स वगैरह भी देख लो एक बार कैसी है, ठीक है। अब मैं पीछे से आपको दिखाऊँ सीट्स वगैरह कैसी है। सीट्स वगैरह की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, स्पेस भी अच्छा खासा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी गाड़ियाँ होंगी आपको काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिलेगी इनके। तो दोस्तों इस गाड़ी की प्राइस की बात करते हैं, 1,50,000 रुपये है, 1.5 लाख रुपये की गाड़ी है, नेगोशिएबल, रेट का कोई दिक्कत नहीं है, रेट ऑन सीट थोड़ी सी कम हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं गाड़ी पेट्रोल में है और सीएनजी फिटेड है, सीएनजी में गाड़ी जो है 21 की माइलेज देगी, और अगर पेट्रोल पे आप चलाते हैं तो इस गाड़ी की माइलेज आपको 15 की मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी कंडीशन में गाड़ी है। बात करते हैं इसकी टायर्स वगैरह की कंडीशन, तो टायर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, ठीक है। बैक की टायर्स में अगर आपको दिखाऊं तो टायर्स वगैरह ये भी बैक की काफ़ी अच्छी है। ओके, तो दोस्तों बात करते हैं जो अगली रेंज आपके सामने है, ये देखो गाड़ी रेड कलर की बड़ी प्यारी सी कार है यार। और बात करें इस गाड़ी के बारे में, तो गाड़ी जो होगी i20 है, और गाड़ी की जो कंडीशन है यार काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, और टायर्स वगैरह काफ़ी अच्छे कंडीशन में दिख रही होगी शायद आपको। अब बात करते हैं इस गाड़ी की मॉडल, तो भाई मॉडल कौन सी होगी, ये 2010 मॉडल है। अब इस गाड़ी की इंटीरियर में एक बार आपको दिखाऊं कैसी है अंदर से, तो दोस्तों ये देखो इसमें पावर विंडो है। और इस गाड़ी की बात करें इंटीरियर, देखो काफ़ी अच्छी कंडीशन में इंटीरियर है, ठीक है। और ये जो गाड़ी होगी यार सीट्स वगैरह देखो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। ओके, और इस गाड़ी की जो कंडीशन है यार मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है गाड़ी, और गाड़ी सारी होती है सर्टिफाइड। और पीछे से मैं आपको दिखा दूँ गाड़ी की कंडीशन, दिखाऊँ कैसी गाड़ी है। तो i20 आपको दिख ही रहा होगा, DL नंबर है, ठीक है, और ये गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। अब बात करते हैं इस गाड़ी की चलने की, कितनी चली है भाई ये गाड़ी, 90,000। तो 90,000 किलोमीटर चल गई ये गाड़ी, और कंडीशन वाइज काफ़ी अच्छी है, मॉडल 2010 में। तो दोस्तों ये जो गाड़ी आपको मिल जाएगी पेट्रोल, ठीक है। और तो दोस्तों बात करते हैं इसकी प्राइस रेंज की, तो भाई प्राइस रेंज कितना होगा इसका, 2,40,000। ओके, तो इस गाड़ी की जो प्राइस होगी नेगोशिएबल 2,40,000 रुपये में, कंडीशन काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। तो गाइज जो नेक्स्ट गाड़ी आपके सामने है ये गाड़ी है, और इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं, तो भाई गाड़ी जो है सेंट्रो की होगी, हुंडई सेंट्रो। और मॉडल जो होगी भाई, मॉडल कौन सी होगी, 2010 मॉडल में गाड़ी है, जैसे कि आप साइड व्यू देख रहे हैं गाड़ी। और इस गाड़ी की बात करते हैं पेट्रोल में होगी भाई, प्योर पेट्रोल में होगी, प्योर पेट्रोल में, सीएनजी वगैरह फिटेड तो नहीं है, पेट्रोल में मिल जाएगी। कलर की बात करते हैं, तो कलर देखो काफ़ी अच्छा कलर है। अब बात करते हैं इस गाड़ी की इंटीरियर, तो गाड़ी की इंटीरियर दिखाते हैं आपको अंदर से। ओके, ये देखो गाड़ी की इंटीरियर को देखो एक बार आप, ठीक है। और इस गाड़ी की जो इंटीरियर है अच्छी है कंडीशन वाइज, ठीक है। अब इस गाड़ी की जो माइलेज की बात करते हैं, तो इस गाड़ी की माइलेज जो होगी आपको 15 से 16 के बीच में है, ठीक है। और इस गाड़ी की जो कंडीशन है काफ़ी अच्छी कंडीशन है। बात करते हैं इसके टायर्स वगैरह की, तो टायर्स वगैरह देखो, टायर्स वगैरह काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। अब पीछे से मैं एक बार गाड़ी दिखाऊं, तो ये देखो पीछे से एक बार गाड़ी देखो, ठीक है, DL नंबर है, दिल्ली से रजिस्ट्रेशन हो रखी है, और गाड़ी 2010 मॉडल में। अब बात करते हैं इसकी आस्किंग प्राइस की, तो आस्किंग प्राइस कितना होगा भाई इसका, 1,70,000। तो जो गाड़ी की प्राइस रखा है भाई ने 1,70,000 रुपये रखा है, जो नेगोशिएबल होगा, रेट का कोई दिक्कत नहीं है, रेट कम हो जाती है अगर ऑन सीट आप आके बैठे बात करते हैं तो,
ठीक है, काफी अच्छी कंडीशन में ये गाड़ी मिल जाएगी। और कलर की बात करते हैं तो भैया कलर कौन सी होगी, ये कलर कौन सा है? गोल्ड बीच कलर में है, काफी अच्छी कंडीशन में गाड़ी, 2010 मॉडल, 170,000 रुपए नेगोशिएबल। ओके तो दोस्तों बात करते हैं अगली गाड़ी की। देखो ये गाड़ी जो आपके सामने है स्विफ्ट डिजायर की है, डीजल में होगी भाई। ओके डीजल में होगी, दिल्ली से रजिस्ट्रेशन हो रखी है और गाड़ी का साइड व्यू जैसे कि आप देख रहे हैं व्हाइट कलर में गाड़ी है, काफी अच्छी कंडीशन में है। और मॉडल कौन सा होगा, मॉडल बता भाई? 2010 मॉडल में है। अब गाड़ी की जो इंटीरियर होगी मैं आपको एक बार इंटीरियर दिखाता हूँ, ठीक है, एक बार इंटीरियर देखो। तो ये देखो अंदर से कैसी गाड़ी लग रही है देखने में, ये देखो गाड़ी की कंडीशन क्या है। और जो गाड़ी है देखो काफी अच्छी कंडीशन में है, मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब सीट वगैरह की बात करते हैं तो सीट वगैरह देखो पीछे से स्पेस वगैरह कैसा है, ये भी मैं आपको दिखा दूं। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी सीट्स वगैरह की पीछे से, तो ये देखो पीछे से सीट्स, ठीक है। और देखो ये काफ़ी अच्छे इसमें बेस वगैरह लगा रखे हैं, साउंड्स वगैरह काफ़ी अच्छे आते हैं, ठीक है। और इस गाड़ी की जो बात करते हैं देखो काफ़ी अच्छी कंडीशन में गाड़ी है। भाई प्राइस कितना रखा है इस गाड़ी का? 2.5 लाख रुपये में आपको दोस्तों ये गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है, जो नेगोशिएबल होगा। डीजल इंजन है ये, ठीक है, और दिल्ली नंबर है। गाड़ी की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, ये गाड़ी जो चली है 95,000 किलोमीटर चली है। माइलेज जो होगा गाड़ी 18 के आसपास में माइलेज है, ठीक है, 18 के आसपास में आपको ये गाड़ी की माइलेज मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी कंडीशन में गाड़ी है, ये गाड़ी भी आप ले सकते हैं। फ़ोन नंबर एड्रेस सारा कुछ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में चेक करके आप आ सकते हैं। एक बार देखो कौन सी गाड़ी है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कौन सी गाड़ी है, आपके सामने लगी हुई है। अब गाड़ी की डिटेल लेते हैं, तो भैया इस गाड़ी के बारे में बताएं कौन सी गाड़ी है, क्या मॉडल है, कितनी चली है, बताएंगे भैया? 2012 मेक है, फॉर्च्यूनर। ओके टोयोटा फॉर्च्यूनर। ओके 4x2 ऑटोमेटिक गाड़ी है, ठीक है, और 88,000 चली है कंपनी रिकॉर्ड के साथ गाड़ी, ठीक है। चारों टायर ब्रांड न्यू टायर डले हैं इसमें, बैटरी नहीं डली है अभी रिसेंटली, सर्विस हो गया ये कंपनी से अभी रिसेंट में। बाकी गाड़ी के अंदर से अब आपको इंटीरियर दिखाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी इंटीरियर की, तो एक बार इंटीरियर आप देखो अंदर से कैसी गाड़ी है, क्या है कंडीशन। तो गाड़ी के बारे में भैया बताएंगे कौन सी गाड़ी, मतलब इसकी थोड़ी सी कंडीशन वगैरह बताएं, क्या माइलेज वगैरह है गाड़ी की? गाड़ी माइलेज ऑन रोड गाड़ी 10-11 की एवरेज देती है गाड़ी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इसका। ओके 88,000 चली है गाड़ी, ठीक है, और 4x2 गाड़ी है ये, ठीक है। ये ऑटोमेटिक पहली गाड़ी आई थी 2012 में, टोयोटा की लॉन्च जो हुई थी 4x2 जो ऑटो में आई थी, इससे पहले मैनुअल ट्रांसमिशन आता था। ओके बाकी आप इंटीरियर देख लीजिए इसका, इंटीरियर बहुत बढ़िया इंटीरियर दिया है इसमें गाड़ी, ठीक है। ओके और जैसे कि मैं आपको सीट वगैरह दिखाऊं तो सीट वगैरह काफी अच्छी है, स्पेस भी गाड़ी में काफी अच्छा होता है, जैसे कि स्पेस आपको दिख रहा है, पूरी फैमिली कार है। मतलब इस गाड़ी के बारे में बताएं भैया, मतलब कितने लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं? 8 लोग आराम से बैठ सकते हैं, जैसे कि आप पीछे देख रहे हो पीछे भी सीट लगी है, आगे ये सीट है और ये दो लोग इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। अब इस गाड़ी की बात करते हैं, आस्किंग प्राइस कितना रखा है भैया इसका? अभी हम लोग इसकी आस्किंग 13,75,000 रुपए हम लोग मांग रहे हैं, बाकी हम लोग जो भी कस्टमर आता है उसके लिए जितना नेगोशिएट होगा बेस्ट प्राइस हम लोग इसका गाड़ी का करके, तो सारी सारी मतलब नेगोशिएबल होगी। और कितनी गाड़ियां सेल होती है ये पिछले मंथ की है ना, पूरी पिछले मंथ की है, लास्ट मंथ में इतनी गाड़ियां सेल की है, मतलब सोचो कितनी गाड़ियां सेल हो रही है इनके यहाँ से, और कितने अच्छे डीलर हैं ये देखो, देखो हर तरह की गाड़ियां डील करते हैं ये देखो। ओके तो दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसी लगी? आई थिंक अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना यार। और एक चीज कहना चाहूंगा, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इधर मिल रहा होगा मेरा हैंडल आई संदीप जोन के नाम से, तो फॉलो कर लो यार। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव एन एज, लव यू ऑल।